This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. उपमंडल पद्धर में अब सफाई व्यवस्था चकाचक होगी। बस स्टैंड के पास बने सार्वजनिक शौचालय में सफाई व्यवस्था न होने से मीडिया द्वारा समाचार प्रकाशित करने के बाद एसडीएम पद्धर सुरजीत सिंह ने शौचालय का निरीक्षण किया। पद्धर उपमंडल में एकमात्र सार्वजनिक शौचालय होने से उसकी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। एसडीएम पद्धर सुरजीत सिंह ने कहा कि शौचालय के साथ लगते नाले में भी बहुत गंदगी है, जिस कारण नाले की भी सफाई करवाई जाएगी। पद्धर में सफाई व्यवस्था बंद है। इस बारे में स्थानीय प्रधान व बीडीओ से बात हुई है। एक हफ्ते के बाद सफाई व्यवस्था चकाचक हो जाएगी, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं। आज मैंने जो बस स्टैंड के साथ टॉयलेट है, जिसके ऊपर जो है 2-3 दिन पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि यहाँ टॉयलेट जो है वो अव्यवस्था है यहाँ टॉयलेट की जो है, तो इस बारे में मेरी ग्राम पंचायत प्रधान और खंड विकास अधिकारी से बात हुई है। तो उनके अनुसार जो है एक तो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ गंदगी है जो इस नाले में, तो उन्होंने जो नया कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गया है सफाईकर्ताओं से, तो अगले सोमवार से वो जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम अगले हफ्ते जो है इसकी नाले की सफाई जो है एक अभियान चला के सारे नाले को साफ करेंगे, और उसके बाद अगर कोई भी यहाँ कूड़ा फेंकेगा तो हम उसके जो है जुर्माने का भी प्रावधान करेंगे। दूसरा, जहाँ तक टॉयलेट की बात है, तो टॉयलेट के लिए भी मेरी प्रधान जी से बात हुई है। तो इसमें इशू ये है कि जो इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गड्ढा है वो भर गया हुआ है, तो पहले तो हम 10-15 दिन इस टॉयलेट को बंद करेंगे ताकि हम इसकी सफाई करा सकें। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ कोई अल्टरनेट गड्ढा बन सकता है नहीं, अगर वो चांसेस है तो हम एक गड्ढा और बनाएंगे ताकि जो है वो ये प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा भी जनता से भी अनुरोध रहेगा कि वो 10-15 दिन जो है वो हमारा भी सहयोग दें, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार में कोई अल्टरनेट साइट है नहीं जहाँ पर हम ये कार्य जो है वो और कर सकें। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई एक आधी साइट जो है वो पब्लिक टॉयलेट के लिए यहाँ और मिले, ताकि बाज़ार में आने वाले लोगों को कोई इस तरह की असुविधा ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पद्धर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।